मनीष सिसोदिया यांनी या संदर्भात ट्विटही केलाय, हिमाचल में भाजप बुरी तरह से हार रही है, इसलिए सत्येंद्र जैन को आज गिरफ्तार किया गया है ताकि वो हिमाचल न जा सके। वे कुछ दिनों में छूट जाएंगे क्योंकि केस बिल्कुल ही फर्जी है। अशा प्रकार से ट्वीट मनीष सिसोदिया यांनी केले। सत्येंद्र जैन के खिलाफ 8 साल से एक फर्जी केस चलाया जा रहा है। अब तक कई बार ईडी बुला चुकी है। बीच में कई साल ईडी ने बुलाना भी बंद किया था क्योंकि उन्हें कुछ मिला नहीं। अब फिर शुरू कर दिया क्योंकि सत्येंद्र जैन हिमाचल के इलेक्शन के इंचार्ज है, असा ट्वीट मनीष सिसोदिया यांनी आरोग्य मंत्री सत्येंद्र जैन यांच्या अटकेच्या कारवाईबाबत केलेला आहे।